हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल स्टाइल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का वीडियो एक चैलेंज वीडियो होने वाला है जिसमें मैं एक मेकअप चैलेंज करने वाली हूँ एंड विदाउट यूजिंग ब्रश या फिर कोई मेकअप टूल्स। यस गाइस, कोई भी मेकअप ब्रश या फिर स्पॉन्ज का यूज नहीं करूंगी। जो भी मेकअप करूंगी गाइस, कुछ इस तरीके का टर्न आउट हुआ है एंड फिंगर को यूज करके ही मैंने इस लुक को क्रिएट किया है गाइस। सो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर, और आई थिंक मॉइस्चराइजर फिंगर की हेल्प से इजीली अप्लाई हो सकता है। सो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होने वाली है मुझे। मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर, एंड ये है ब्लू हेवन का सिलिकन बेस्ड प्राइमर। एंड इसका आप सेपरेट रिव्यू देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस, प्राइमर भी नॉर्मली हम फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करते हैं। सो इसको मैं अच्छे से अपने टी जोन को फोकस करते हुए अप्लाई कर लूंगी, बिल्कुल अच्छे से पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड स्किन की सरफेस को काफी ज्यादा फ्लॉलेस बनाता है गाइस, काफी ज्यादा स्मूथ करता है ये। तो प्राइमर मैंने अप्लाई कर लिया है गाइस, एंड अब मूव ऑन करते हैं बेस मेकअप की तरफ, यानी कि मैं यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स का बीबी क्रीम। हम बेस को अप्लाई करने के लिए ब्रश या फिर स्पॉन्ज का यूज करते हैं, बट अभी मैं फिंगर की ही हेल्प से इसको ब्लेंड करूंगी। सो पहले मैं इसको डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे, एंड थोड़ा सा इसको मैं नेक पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ ताकि मेरे नेक एंड फेस में कोई डिफरेंस ना रहे। तो मैं अपने फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूंगी गाइस। इसका जो टेक्सचर है काफी ज्यादा स्मूथ है, सो ये इजिली ब्लेंड हो रहा है एज यू कैन सी। शेड थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन टोन से, बट बाद में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा गाइस। क्रीम अप्लाई करने के बाद अब मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ आई एम्स्टरडैम का कंसीलर। फिंगर पे लेकर अप्लाई करूंगी, वैसे इसके साथ ये एप्लीकेटर भी आया है बट मैं इसका यूज नहीं करने वाली हूँ बिकॉज ये है नो ब्रश या नो टूल्स मेकअप चैलेंज है गाइस। सो मैं इसकी हेल्प से ही इसको अप्लाई करूंगी एंड लिटिल बिट मैं इसको अपने आईलिड पे अप्लाई करूंगी एंड इसको फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूंगी। फाइनली मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है एंड आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों आईज में, एंड इसी तरीके से मैं इसको भी ब्लेंड कर लूंगी। कंसीलर को मैं अपने जो ये डार्क स्पॉट है इस पे अप्लाई करूंगी कुछ इस तरीके से डैब डैब करके। मैं अपने फोरहेड पे भी इसको अप्लाई कर लूंगी इस तरीके से, ब्लेंड कर लिया है एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट था इसको ब्लेंड करना बिकॉज हमारे जो फिंगर्स में वो स्वेट होने की वजह से इसकी क्रीज आ रहा था बार बार। सो अब मूव ऑन करते हैं कॉम्पैक्ट की तरफ। सो मैं इसका कॉम्पैक्ट पाउडर, स्पंज भी है बट इसका मैं यूज नहीं करने वाली हूँ, मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही अपने बेस को सेट करूंगी प्रोडक्ट को अपने फिंगर्स पे लेकर, एंड इस तरीके से इसको सेट करूंगी गाइस कि कॉम्पैक्ट को अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, बट लेट्स सी कि ये किस तरीके से टर्न आउट होता है। इस तरीके से फिंगर की हेल्प से कॉम्पैक्ट अप्लाई किया है मैंने, की वजह से इस तरीके से करने से यहाँ पे थोड़े थोड़े इसके निशान रह गए फिंगर्स के, बट इट्स ओके, ये मैच हो हम फिंगर की हेल्प से अपना काम चलाएंगे आज। हैं आईज मेकअप की तरफ, हिमालयों का शेडो पैलेट एंड करूंगी गाइस। सो उसके लिए मैं करूंगी यूज करूंगी बिकॉज ये काफी सही रहेगा आईब्रोज के लिए, बिकॉज ये काफी सही फिल हुआ है मेरा आईब्रो क्या है। एंड अब बढ़ते हैं आई शेडो की तरफ। सो मैं फिंगर की ही यूज मैं फिंगर इसको भी करूंगी गाइस। अगर आप बिगिनर हैं तो मस्ट ट्राई दिस पैलेट,
एंड थ्रू बिकॉज ज्यादा ना लग जाए मेरे आईज पे. एंड अपने आउटर वी पे प्लेस करूंगी इसको ओनली कुछ इस तरीके से. एंड दूसरे फिंगर से मैं इसको ब्लेंड करूंगी. लोअर वाटर लाइन पे भी अप्लाई करूंगी. ये शिमर शेड अपने आईलिड पे ओनली. मैं फेस को थोड़ा सा कॉन्टोर करूंगी तो उसके लिए मैं ये वाला शेड यूज करूंगी गाइस. कॉन्टोर करूंगी. आई थिंक नोज को कॉन्टोर करना थोड़ा इजी है बिकॉज फिंगर की हेल्प से बस इस तरीके से रब करना है इसको. एंड दैट्स इट. एंड आईलाइनर. सो आईलाइनर तो फिंगर की हेल्प से पॉसिबल नहीं है अप्लाई करना. सो इसमें जो ये टिप है गाइस तो ये दोनों मिलकर ही आईलाइनर होता है. सो मैं इसके हेल्प से ही इसको अप्लाई करूंगी. अप्लाई कर लेती हूँ जल्दी से. अब मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा. सो ये भी फिंगर की हेल्प से अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो इसमें जो ये वॉन्ड है गाइस इसकी हेल्प से मैं इसको अप्लाई करूंगी. एंड ब्लू लूंगी. सेम मैं अपनी दूसरी आईज पे भी अप्लाई कर लिया है. एंड अब मैं अप्लाई करूंगी काजल. ये है NYB का काजल. एंड इसकी हेल्प से ही अप्लाई करूंगी. तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे रब कर लेती हूँ पहले कुछ इस तरीके से. अप्लाई किया जाता है उसी तरीके से मैं इसको अप्लाई करूंगी गाइस. सो आप देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से अप्लाई हो गया है. सेम मैं अपने दूसरे आईज पे भी अप्लाई कर लूंगी. मैं अपना चैलेंज किस कितने हद तक सही तरीके से पूरा कर पाई हूं. एंड आपको ये चैलेंज कैसा लगा और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें. और ब्लश सो उसके लिए मैं ब्लश के लिए एंड ब्लश बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है तो थोड़ा केयरफुली मैं इसको अप्लाई करूंगी. पहले इस तरीके से फिंगर की हेल्प से गाइस हाइलाइटर. डिफिकल्ट नहीं है फिंगर के हेल्प से. एज यू कैन सी कि ये इजिली अप्लाई करना है. फाइनली लिपस्टिक अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए. सो उसके लिए मैं लिपस्टिक एंड मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हूँ बट मैं इसको फिंगर के हेल्प से ही अप्लाई करूंगी. सो पहले कुछ इस तरीके से एंड देन इसका अप्लाई करूंगी. ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फिंगर की हेल्प से. केयरफुल रहना है कि आपके जो आउटलाइन है उससे बाहर ना जाए. हाउ टू मेकअप ब्रश या टूल्स को यूज किए बिना. एंड आपको ये लुक कैसा लगा ना. एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय गाइज़.